भाग रहा है। Hey guys, welcome back to my new vlog. So guys, तबीयत पहले से गला ज़्यादा ख़राब है इसलिए बोल नहीं पा रहे, तो पहले से तबीयत थोड़ी ठीक है, फीवर नहीं आया है कल जब से दवाई खाई है डॉक्टर की। बाकी जो है मैं नाश्ता ले आई हूँ, चाय बनाई है और मम्मी ने आज बनाई है गुड़िया और मोटी रोटी, तो आज खाएंगे वही, और चटनी भी बनाई है मम्मी ने। तो चटनी और रोटी खाती हूँ मैं, गुड़िया कम खाती हूँ इसलिए चटनी और मोटी रोटी खाते हैं। मोटी रोटी के साथ वैसे भी चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो वही खाते हैं फिर मिलते हैं। गाइस, मैं नहा ली हूँ और बाहर आ गई हूँ कपड़े वगैरह डालने के लिए। कल तो पूरा दिन कुछ कर नहीं पाई थी तो कपड़े वगैरह बहुत हो गए थे, तो फिर मैं नहा भी ली, कपड़े भी धो लिए, बाकी भी रूम वूम जो छोटा मोटा काम मैं कर पा रही थी वो मैंने सब कर लिया, क्योंकि फीवर तो ठीक हो गया है पर वीकनेस अभी है इसमें, तो उस वजह से थोड़ा लग रही है। लेकिन मैंने कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कर सकती हूँ वो कर लूँ, क्योंकि बैठे बैठे तो और ही ज़्यादा अजीब लगने लगता है। कल तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया मेरा, तो फाइनली आज जो है थोड़े बहुत काम करते हैं अपने कंप्लीट, तो कपड़े डालती हूँ उसके बाद मैं इनसे मिलवाती हूँ, अंदर जाकर डाल दिए। अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में इनके लिए चाय बनाने, क्योंकि जब मैंने पी थी तो इन्होंने पी नहीं थी, तो अभी उठ गए तो मैं सोचूँ चाय बना दूँ, तो इस बहाने एक कप मुझे भी मिल जाएगी, गले को भी आराम मिल जाएगा, और मुझे चाय वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अकेले के लिए तो नहीं बनाती मैं वैसे, लेकिन इनके लिए बना रही हूँ तो थोड़ी थोड़ी मैं पी लूँगी, तो लेकर चलती हूँ इनके लिए। इतना हल्के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गले में बहुत दर्द है मेरे, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रही बोलने पर। यहाँ पर कर रहे हैं गाइस ये अपना नाश्ता, मैं उठा हूँ लेट काफ़ी और जो है अब नाश्ता कर रहा हूँ क्योंकि कल रात में लेट सोया भी था। हाँ, नाश्ता कर रहे हैं और व्लॉग देख रहे हैं अपना। हाँ, अपना व्लॉग देख रहे हैं, तो कर लो, मैं भी चाय पी लेती हूँ। सुबह सुबह चटनी नाश्ता या खाना ही हो गया देखो। हाँ सर, मोटी रोटी मेरी फेवरेट, हमारे घर में सबकी फेवरेट, अरबी भुइया चटनी चाय। मैंने तो चटनी से खाई फिर भी इतनी अच्छी लग रही, क्योंकि मोटी रोटी मम्मी इतनी अच्छी बनाती है कि वो कैसे भी खा लो मजा आ जाती है। हाँ, क्योंकि मैं भुइया कम खाती हूँ इसलिए। ये देखिए, हाँ बताओ, तबीयत अपडेट दो, तबीयत अपडेट। बुखार नहीं आ रहा, गला दर्द बाकी सब वैसे ही, बस फीवर नहीं आया है। चलो दवाई खा ली थी ना सुबह, चलो खाना ले आए, चलो तुम आराम करो, हम लेके आते हैं खाना, ठीक है। आ गया खाना हमारा, वॉइस ओवर कर दो आप। सो गाइस, खाना आ गया है, मैं लेके आ गया हूँ, और ये चटनी भी है, ये थोड़ी सुबह की बची थी, अभी तो बची नहीं है। मिर्च, मूली, पालक दाल, अरबी घुइया, राइस एंड चपातीस, रोटी। खाते हैं गाइस खाना, बड़ा बेकार लग रहा है मुझे, सही नहीं हो रहे। तो इन्होंने कंपटीशन किया था कि कौन ज़्यादा फ़ोन चलाता है उसमें कौन जीतेगा, उसमें स्क्रीन ऑन टाइम मेरा कम आया, इनका ज़्यादा आया। मेरा आया 4 घंटे 11 मिनट, इनका आया 4 घंटे 35 मिनट, बस जीत गया। मतलब कितने कम डिफरेंस है, आप जीते हो फिर भी जीत तो गए। मैं ब्लॉग, अब ये प्रूफ हो गया ये कि तुम ज्यादा फोन चला रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना वो दिखाओ। क्या लो, देखो पूरा रोज वाला दिखाओ, तब भी मेरा वो देखा, आज ही सबसे कम चलाया है। देखो है, आज 2 घंटे 11 मिनट। अब ऐसे देखो, सबसे ज्यादा दिखाओ, साथ देख रहे हो आप कितना समय अपना व्यतीत करते हो फोन पे। तुम्हारा दिखाएं तो मैं ब्लॉग भी तो करती हूँ, एडिट भी करती हूँ, सब कुछ इसी पे करती हूँ ना। और गाइस आज तो बेइज्जती हो लगी थी मैंने, कहा जो हारेगा वो फोन नहीं चलाएगा, और मैं ही हार गई। पर मुझे अलाउड है, मैं जो हूँ ब्लॉग करती हूँ मैं। अलाउड है, अब ब्लॉग करने एडिटिंग करने के लिए फोन चलाओगे, उसके बाद जो है नहीं चलाओगे। ओके, सिर्फ ब्लॉग और एडिट के लिए, ठीक है। ओके तो गाइस हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। ऐसा है ना,
आज कल और आज ये घर के अंदर ही नहीं, तो इनका जो मूड जो है वो थोड़ा वैसा हो रहा था, तो हमने कहा चलो एक चक्कर कटाते तुम्हें। तभी ये बोले कि चलो तुम्हें घुमा लेते हैं, तुम्हारा थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि एक तो तबीयत भी नहीं ठीक है, ऊपर से बैठे बैठे अजीब सा ही लगने लगा। तभी तो चलते, वैसे आज मौसम सही हो रहा है ना, देख के लग रहा। गाइस ये देखिए, इसमें जो थर्ड टॉपर है दीप प्रभात, ये हमारा जो है वो भाई है। गाइस दीप ने जो है इस बार टॉप किया था, और वो कर्नल एकेडमी में पढ़ता है, और उसने कितने परसेंटेज थे? 95.6। हाँ, 95.6% थे। कितना अच्छा लगता है ना, मतलब अपनी फैमिली का। हाँ, कहाँ क्या कहते हैं, वहाँ भी एक लगा है। अच्छा, रोड की जो बाजार है। हाँ हाँ हाँ, तो इतना अच्छा लगता है ना गाइस, सही में मैंने एकदम इन्होंने दिखाया, दिल खुश हो गया। देखिए गाइस यहाँ पर जो है अब्दुल हमीद जो है, उनकी जयंती है। अच्छा, सो आ गए हैं गाइस हम लोग टहलने के लिए। टाई कमांडो सीख रही है। यही गाइस मैं आई थी उस दिन, शुभारंभ किया था मैंने, और मेरी तबीयत का शुभारंभ हो गया। एक है ना उन्होंने कमेंट भी किया कि आप सुबह उठ तो गई पर शाम को आपकी तबीयत खराब हो गई। नहीं ऐसा है ना, मुझे ऐसा है, मेरी पहले से तबीयत मतलब हल्का वो थी, सर्दी लगी हुई थी, और उसी दिन मैं उसमें टहली और शाम तक बैटरी डाउन। ये देखिए गाइस बच्चे जो है वो टाई कमांडो सीख रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चे मुझे कितने प्यारे लगते हैं ना। लेंगे अच्छा ये बताओ, लुक वाइज जो है वो सफारी ज्यादा अच्छी लगती है, ये जो नई XUV 700 आई है वो? कमेंट सेक्शन में बताइए गाइस, वोट करिए। हमें तो ये अच्छी लगती है लुक वाइज, जैसे मैं हमारी है उसका वो मतलब नहीं है, लेकिन लुक वाइज भी अच्छी लगती है, फीचर्स उसमें अच्छे हैं। वोट करिए गाइस, देखते हैं ज्यादा से ज्यादा किसे वोट मिलते हैं, XUV 700 को या फिर सफारी को जो हम लोगों की है। तो देखो शाम ढल रही है और बज गया है शाम के 6:30। सही लग रहा है गाइस, हाँ मतलब पसीना वसीना कुछ नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा, बड़ा मतलब सुकून मिल रहा है, माइंड एकदम रिलैक्स हो रहा है हल्के हल्के। मेला लगने लगेगा फिर, कितना मजा आया करेगा। लगना तो चाहिए वैसे इस वाला, लगेगा इसे पक्का लगेगा। वो देखिए गाइस टावर, वहाँ पे मेला लगता है, कह रहे ऐसा लगता है वहाँ खत्म होने वाला। हाँ नहीं, जब वहाँ वैसे जब मेला लगता है तो ऐसा लगता है खत्म ही होने वाला है वहाँ, क्योंकि स्टेज तो ये है ही। ये स्टेज है और वो टावर मतलब थोड़ा ही डिफरेंस लगता है, पूरा वहाँ से वहाँ तक लगता है ना। चलो थोड़ी देर टहलते हैं फिर चलते हैं। हो गई है शाम गाइस, अब चलते हैं घर पे। पूरे को रोक लिया, गाड़ी नहीं किया, तभी उसे रोक लिया। वो लो रोक गाड़ी, इधर उधर से भाग रहा था, गाड़ी वाले भागने भी तुरंत लगते हैं। अरे भाग रहा है, आई उसे भी दबा देगा क्या? अब वो कहाँ है जो इंसान गिर गया? वो तो वही तो कह रहा था, पैसे दिलवाओ हमारे, गाड़ी नुकसान हो गया। बेकार लोग होते हैं ना, एक तो गलती भी करते हैं, यही था सही, एक तो गलती भी करते हैं फिर बात। तो जो वो सामने रोक रहा था इतनी तेज मतलब चला रहा था कि उसे भी दबा दे, सही दबा दे वो, जबकि आगे था। हाँ आगे ही था बिल्कुल, वो रुकवाने की कोशिश कर रहा था। भैया क्या करा जाए, जा गए घर,
अब चलते हैं चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं। तो आ गए हैं घर पे हम लोग और यहाँ पी रहे हैं चाय, चाय नमकीन बिस्किट खाए। क्या खा के आए? हम खा के आए हैं आलू फ्राई। गाइस ये गए थे अतुल भैया के साथ क्या खाने, आलू फ्राई खाने। मैं तो गई नहीं क्योंकि मेरे जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो पूरे ख़राब हो चुके हैं और मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं करता है बाहर आर का, घर का भी नहीं करता बाहर तो दूर के बाद। आज वाला अच्छा है, कल वाला बेकार था। आ गया मेरा खाना, रोटी सब्जी, और पापा आज लेकर आए थे सोन पापड़ी, तो बड़ी अच्छी लग रही थी देखने में, तो वो ले आए। मैं लेकर आई हल्दी वाला दूध अपने लिए भी और इनके लिए भी, जब तक मैं खाना खाऊंगी तब तक मुझे ठंडा भी, तो बहुत गर्म गर्म है। ओ हो हो, वाह 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 वाह। और ये रहा इनका, तो आज दोनों लोग पिए क्योंकि इनका भी थोड़ा गला वैसा हो रहा था, जुकाम लग रहा था, मैंने कहा पहले पी लो गरम गरम चीजें तो सही हो जाए, मेरा वाला हाल ना हो, बहुत परेशान हो गई मैं। मिल्क बादाम लग रहा है बिल्कुल, हाँ गरम मिल्क बादाम। कोई तो मुझे मिल्क बादाम पिलाने वाला था बना के, वो भी एक लीटर 75 रुपए में, 75 थोड़ी ना, 55-60 रुपए। अच्छा बस वो नहीं लगाए थे आपने, ड्राई फ्रूट की वो नहीं लगाई थी? अच्छा खाली दूध दो जोड़ा था रखे। अच्छा मेरे ही ड्राई फ्रूट पे इनकी नियत है गाइस, मुझे को पिलाएंगे बना के। चलो पी लो, आपको जो है जुखाम होने से पहले ही रुक जाए। ये देखिए ये कॉम्बिनेशन देखिए, सोन पापड़ी इसमें डुबो के खाई, आई है बिल्कुल मिठा जाओगे अंदर तक। आगे देखे ट्राई मारे, अरे आप मार भी सा, अरे 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 कुछ पता ही नहीं चलेगा भाई, तो अंदर सोकेगी नहीं। चलो खा लो, कैसी है सोन पापड़ी देखने तो अच्छी लगे। हाँ तो यहीं पर करते हैं इस ब्लॉग को एंड, आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का ब्लॉग। सो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।